कमली बोल रही हूँ। कमली बहन आप कहाँ से बोल रही हो? जयपुर से। हाँ बोलो। मुझे ना नजला हो रहा है और ना नाक बंद हो जाती है रात को होते वक्त, और ना नाक बंद हो जाती है, फिर तब नाक खुलती है पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली। हाँ कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40। 40 साल की हैं आप? तो देखो हाँ आपको एलर्जी की परेशानी है, हाँ और बहुत पता है मेरे। जी एक तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ध्यान रखिए ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी है। दही अभी आपको नहीं खाना है, अचार भी नहीं लेना है, रात को ये मूली वगैरह या कच्चे सलाद वगैरह भी नहीं खाना है, ये हाँ आप नहीं खाती ध्यान है। रखिए। और आपको गर्म पानी ही पीना है। जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है वो सभी लोग सुन लें, यदि एक ही कसम खा लें कि आपको गर्म पानी ही पीना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाइना के लोग हमेशा गर्म पानी पीते हैं, इसलिए वहाँ एलर्जी बहुत कम है, मोटापा बहुत कम है, ये दोनों रोगों के लिए ये अद्भुत है। इसके अतिरिक्त जयपुर में बहन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे वहाँ पर वैद्य लोग हैं, चिकित्सालय कई सारे हैं, एक बार आप दिखा दीजिएगा। तब तक के लिए षडबिंदु तेल या फिर अणु तेल, इसको चार चार बूंद नाक में डाल लेना सुबह खाली पेट, पूरा रेशा जो कफ है बलगम है निकल जाएगा, नाक आपकी खुल जाएगी, श्वासारी जो क्वाथ है हमारा उसको उबाल करके पी लेना सुबह शाम, और खाने के बाद में तुलसी घनबटी और लक्ष्मी विलास रस, तुलसी घनबटी की 2 गोली, लक्ष्मी विलास रस की 2-2 गोली ले लेना, और ज़्यादा परेशानी हो तो पतंजलि बाम है, पतंजलि दिव्य धारा है, उसको आप थोड़ा सा हैंकी में रुमाल में लेकर के सूंघना, इतना कर लीजिएगा। थोड़ा प्राणायाम आप जरूर सीख लेना, प्राणायाम आप रेगुलर कर लेना बहन, ये 100% ठीक हो जाएगा। मुश्किल से आपको 1.5-2 महीने भी नहीं लगेंगे, उसके अंदर अंदर आप ठीक हो जाओगी। नाक की एलर्जी से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, खासकर सर्दी के मौसम और प्रदूषित वातावरण में। इस समस्या से जूझने वाले लोग अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल करें, इससे एलर्जी से काफी राहत मिलेगी। आयुर्वेदिक उपाय में सुबह शाम दिव्य श्वासारी क्वाथ को उबाल कर पिए तथा खाना खाने के बाद तुलसी घनवटी व लक्ष्मी विलास रस की 2-2 गोली नियमित रूप से सेवन करें, साथ ही खाली पेट षडबिंदु या अणु तेल की 4-4 बूंदे नाक में डालें। नाक एकदम बंद हो तो पतंजलि बाम या दिव्य धारा का प्रयोग करें।